लाई हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2017 के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन आए थे। लास्ट वीडियो में मैं जीके के क्वेश्चंस लेकर आई थी, जिसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस। आज हम उसी सेट के रीजनिंग के पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के सदस्य को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिनी अथवा पोती पोते हैं। हमें बताना है कि सीता के नाती नातिनी अथवा पोती पोते कौन है। तो पहले तो हम रिलेशन चेक करते हैं कि यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है, और नाती नातिनी और पोती पोते क्या होते हैं, जिनको नहीं पता या जो कन्फ्यूज रहते हैं वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिएगा, हरीश है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है सीता, यानी हरीश और सीता हो जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ। और हरीश और सीता के दो बच्चे थे, एक था राहुल जो कि उनका लड़का था, दूसरा प्रियंका उनकी डॉटर थी। ये जो आप पूरा रिलेशन देख रहे हैं ना यहाँ पे स्क्रीन पर है, ये एग्जाम में ऐसे ही बना आया था, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी वहाँ पर, बस देखना है, उसको समझना है और ऑप्शन को देख कर आंसर देना है, बस इतना ही करना था। तो चलिए, हरीश और सीता के दो बच्चे थे, एक राहुल लड़का था, प्रियंका उनकी लड़की थी। राहुल की पत्नी का नाम सनीता था और प्रियंका के हस्बैंड का नाम जयेश था। तो ये रिलेशन हो गया प्रियंका का उनके हस्बैंड से, राहुल का उनके वाइफ से। अब हम आगे देखते हैं, प्रियंका के तीन बच्चे थे सार्थक, मोना, पारुल, और राहुल के भी तीन बच्चे थे कपिल, कुणाल और प्रिया। अगर देखा जाए हरीश और सीता के पोती पोते कौन थे, तो इनके पोती पोते थे कपिल, कुणाल, प्रिया। प्रिया इनकी पोती थी और कपिल और कुणाल इनके पोते थे। अब देखते हैं प्रियंका की तरफ से, तो जो सार्थक है इनके नाती, यहाँ पे जो सार्थक है ये हरीश और सीता के नाती हो जाएंगे, और मोना और पारुल इनकी नातिनी हो जाएंगी। तो ये हमने पूरा रिलेशन देख लिया है अभी। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ो कि सीता के नाती नातिनी अथवा पोती पोते ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। फर्स्ट है पारुल, कपिल। तो भाई पारुल कहाँ पर है, तो पारुल है यहाँ पर जो कि नातिनी हो जाएगी सीता की, और कपिल है यहाँ पर जो कि पोता हो जाएगा सीता का। तो ये ए ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम आगे के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास प्रियंका और सार्थक, तो प्रियंका तो उनकी लड़की थी तो ये तो गलत हो जाएगा। सार्थक ज़रूर उनका पोता था, उनका नाती था, लेकिन प्रियंका उनकी लड़की थी इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है कुणाल और सरिता, तो कुणाल तो ज़रूर इनका पोता है, लेकिन सरिता तो है ही नहीं, ना पोती है ना पोता है, और सॉरी ना पोती है और ना ही नातिनी है, तो सरिता तो होगी नहीं। उसी प्रकार फोर्थ नंबर पर देखिएगा मोना और राहुल, तो मोना तो इनकी नातिनी है लेकिन राहुल इनका पोता नहीं है ना कि नाती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला रहेगा, पारुल और कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। यहाँ पर हमें कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत आसान है। बोर्ड को ERDUG से कोडित किया गया है, और FKDLU को कैसे कोडित किया जाए हमें ये बताना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, पहले हम बोर्ड को ही देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, या तो प्लस हो रहा होगा, या तो माइनस हो रहा होगा, या तो उसका अपोजिट होगा, या तो सेम वर्ड भी कई बार रिपीट हो जाते हैं। पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर जो बोर्ड लिखा है, बी के बाद ई आया है, पर यहाँ पर हर वर्ड का प्लस टू हो रहा है, जैसे कि बी के बाद क्या आता है सी डी, दो प्लस किए हैं तब जाके क्या आया है ई आया है। उसी तरह ओ के बाद आर आया, ओ के बाद क्या आता है पी क्यू, हमने दो प्लस किए हैं उसके बाद क्या आ गया आर आया। उसी तरह से दोस्तों ए के बाद हम दो प्लस करेंगे तो डी आ जाएगा, आर में हम दो प्लस करेंगे यू आ जाएगा, डी में दो प्लस करेंगे तो जी आ जाएगा। अब जो चीज़ हमने यहाँ पर फॉलो की है सेम वही चीज़ आप यहाँ पर फॉलो कर दीजिए, एफ में दो प्लस कर दीजिए, एफ के बाद क्या आता है जी एच, तो देखिए आ गया आई। उसी तरह के बाद क्या आता है के एल एम, तो देखिए आ गया एन। डी के बाद हम दो प्लस करेंगे तो जी आएगा, एल के बाद प्लस करेंगे तो ओ आएगा, यू के बाद प्लस करेंगे तो एक्स आएगा। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है आई एन जी ओ एक्स। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर हो जाएगा जो हमने आंसर निकाला है। ऐसे दोस्तों इसको सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक खास कोड, ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत आसान है ये। एक खास कोड बे डे स्केट का अर्थ वाइस एंड क्लेवर है,
ठीक है, ये तो पहला लाइन हो गया। डैश सूम जोना का अर्थ क्लेवर यंग बॉय है और जुप जोना ऊन का अर्थ यंग मीन्स फ्रेश होता है। तो यहाँ पर ना सबके अर्थ बताए गए हैं, एक साइड लिखे हैं शब्द और एक दूसरे साइड उनका अर्थ इसमें बताया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये तो अर्थ हो जाएगा बॉय। अब इसके लिए हमें शब्द ढूंढना है, तो यहाँ पर मैंने सारे शब्द लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं इसके, और दूसरे साइड सेकेंड नंबर पर मैंने इसके लिखे हैं अर्थ, इसकी मीनिंग लिखी है। अब हम देखेंगे बॉय का, तो बॉय की पहचान करनी है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे पहचान करते हैं इसकी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसका सेकेंड लाइन ही देखना पड़ेगा, हमें बॉय ढूंढना है ना, तो बॉय को क्लेवर यंग बॉय जो ये अर्थ है इसी लाइन में इसके शब्द में हमें ढूंढना रहेगा। तो यदि हम बॉय को देखेंगे, अब बॉय के लिए ऐसा शब्द ढूंढो, क्योंकि बॉय एक ही जगह पर है और कहीं तो है नहीं, तो हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना पड़ेगा जो कि एक जगह पर हो, वो भी किस में से, इन तीनों से, कहीं दो से दो जगह पर ना आता हो, वो एक ही जगह पर आना चाहिए। तो जैसे डैश को देखो, डी ए एस, ये यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों और ये ऊपर भी आ रहा है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। सोम को ढूंढो, एस ओ एम, तो ये केवल यही आ रहा है, कहीं और नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं आ रहा, नीचे भी नहीं आ रहा। जोना को देखिएगा, तो जोना यहाँ पर भी है और जोना यहाँ पर भी है, तो दोस्तों केवल सोम कहीं रिपीट नहीं हुआ है, एक ही जगह आया है और हमें इसी लाइन में से ढूंढना था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, जो कि क्या है, सोम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन आया है, कोड करना है हमें इसका, मेल करना है, पहचानना है कि कैसे ये चीज़ इसमें कन्वर्ट होने वाली है। जैसे कि डिमांड को हमने कोडेड किया है किससे, डी एन ए एम ई डी से, सप्लाई किसमें कोडेड हुआ है, तो वाई एल डबल पी यू एस। अब हमें बताना है क्वांटिटी को किससे कोडेड किया जाएगा, इसको कोडेड करना है हमको, तो डिमांड को कैसे किया है हम वैसे देखेंगे, सप्लाई को कैसे किया है, इन दोनों के बेस पर हम क्वांटिटी को भी कोडेड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डिमांड जो है वो पहला वाला जो है वो लास्ट में आया है, और जो ई है वो भी लास्ट के पहले वाले में आ जाएगा, उसी तरह एम भी यही हो रहा है, ए भी यही हो रहा है, एन भी यही हो रहा है, और जो लास्ट वाला था वो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। रिलेशन कुछ ऐसा चल रहा है, क्रॉस कनेक्शन जो सुना है ना आपने, ऐसा रिलेशन चल रहा है अभी, ठीक है। सप्लाई में भी देखिए, फर्स्ट वाला एस लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला वाई फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। ऐसे ही सारे अल्फाबेट के साथ करेंगे तो हमारा आंसर इसका क्या आ रहा है, वाई एल डबल पी यू एस। अब आते हैं हमारे मेन चीज़ के ऊपर जिसका हमें ढूंढना है, तो क्वांटिटी का क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर क्यों है, तो लेकर आ जाए इसे लास्ट नंबर पर, आगे ना, वाई वाला जो लास्ट है उसको फर्स्ट नंबर पर ले आओ, यू है तो इसे लास्ट के फर्स्ट वाले पर ले आओ, टी को यहाँ पे ले आएंगे, ए को यहाँ पे ले आएंगे, आई यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्रॉस वाला कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों, और यदि क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, वाई टी आई टी एन ए यू क्यू, तो वाई टी आई टी एन ए यू क्यू, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, हमने जो आंसर निकाला है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था, है ना। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उन्हें समझ में ना आए, पर ये बहुत बेसिक चीजें हैं दोस्तों, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पर लुप्त श्रृंखला को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, ये सीरीज दी है, इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है उसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर या तो प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है, या तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, या कोई किसी का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब 324, 108, 36, 12, अब इसके आगे क्या आएगा दोस्तों, सारे ही शब्द को 3 से डिवाइड करके देखो आंसर आ जाएगा। 324 को 3 से डिवाइड करोगे तो 108 आएगा, 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है जिसमें 4 लिखा है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा ये मैं आपको बता दी, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं अब हम, यदि जून 2006 की, देखिए इंग्लिश में लिखा है इफ फर्स्ट जून 2006 इज अ ट्यूसडे, हाउ मेनी संडेज वुड बी देयर इन द मंथ, यदि 1 जून
2006 को पहली तारीख को मंगलवार है, तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? हिंदी में मैंने एक नहीं लिखा है तो अभी मैंने ऐड कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। 1 जून 2006 की पहली तारीख को यदि मंगलवार है तो इस महीने कितने रविवार होंगे? बहुत आसान है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर। 1 जून को यदि क्या है, 1 जून 2006 को ट्यूसडे है, ठीक है भैया। हमें संडे तक जाना है तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन हुए ऐड। जब हमने 5 ऐड करा तो हमारा क्या आया यहाँ पर? संडे। जब हमने ट्यूसडे में 5 ऐड करा है तो संडे आया, तो हमें 1 में भी तो 5 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 6। तो भैया 6 तारीख को पड़ेगा पहला संडे। अब हमें वापस से संडे लाना है तो वीक में 7 दिन होते हैं, तो हमेशा हमें 7+ करना रहता है, ये आप सभी को पता होगा। जब हम इसमें 7+ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13, यानी दूसरा संडे कब पड़ेगा? 13 तारीख को। फिर हमें संडे लेकर आना है तो हम +7 करेंगे, जब तक मंथ एंड नहीं होगा तब तक हमें ये करना है, तो 13 में हम 7+ करेंगे तो क्या आ रहा है? 20। थर्ड संडे कब पड़ेगा? 20 तारीख को। फिर हम इसमें 7+ करेंगे, 7+ करेंगे तो आएगा क्या? 27। तो हमारा फोर्थ संडे पड़ेगा 27 को। तो कितने संडे हो गए? 6 तारीख को पहला संडे, 13 तारीख को दूसरा संडे, 20 तारीख को तीसरा संडे और 27 तारीख को चौथा संडे। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, जो कि क्या है? 4 संडे पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। फिर से हमें सीरीज को कंप्लीट करना है जो कि इनकम्प्लीट है, 1, 4, 9, 16। ध्यान से पढ़िएगा इसको, 1, 4, 9, 16 को। यदि आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसका आंसर। 1 का स्क्वायर 1 है, 4 कहाँ से आया है? तो ये 2 का स्क्वायर है। 9 कहाँ से आया? तो ये 3 का स्क्वायर है। और 16 कहाँ से आया है? तो ये 4 का स्क्वायर है। तो दोस्तों सीरीज ऐसी चल रही है तो अगला नंबर 5 होगा, और 5 आया है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। यानी ये मिसिंग नंबर में क्या आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं अब हम। सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी? तो भैया सीता और गीता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जो यदि 60% और 40% है, तो सीता की जो प्रोबेबिलिटी 60% पास होने की है तो 40% फेल होने की भी तो है। दोनों तरह से देखिएगा, 40% इसकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की भी है। उसी तरह से गीता 40% तो पास हो रही है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 60% फेल होने की भी है। अब क्या बोला है, अभी 20% किसका गया है? मीता का। तो मीता यदि 20% फेल हो रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 80% पास होने की है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो मैंने वहाँ डिजिट लिखे थे, जो परसेंट लिखे थे, उसी को ही हमें उसका फ्रैक्शन में लेकर आना पड़ेगा। जैसे 60 है तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/5, 40 है तो ये हो जाएगा 2/5, 80 है तो हो जाएगा 4/5। इन सभी को हमें क्रॉस करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। यदि कोई कट रहा होगा तो काट देंगे, पर कुछ कट ही नहीं रहा है। यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 24/125, पर ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है। तो जब ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, 19.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए। हमें ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, हमें ऑड नंबर बताना है इसमें से, ऑड को फाइंड करना है। तो 24, 33, 60, 71, 51, 15 सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। ये सारी ही डिजिट 3 से डिवाइड हो रहे हैं, किसी का स्क्वायर क्यूब तो है ही नहीं है, पर हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 के टेबल में 24 आता है तो 3 8 24, बिल्कुल सही है। 33 आता है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 60, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 71 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 71 को भी हम सर्कल कर रहे हैं। 51 होता है तो हाँ भैया ये 3 से डिवाइड होता है। 3 × 3 = 21, 17 आ जाएगा। 15 3 से डिवाइड होता है क्या? तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। बस हमने ये देखा कि एक ही डिजिट डिवाइड नहीं हुआ, वो कौन सा है? 71। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, जो कि 71। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिलोक का क्वेश्चन है। इसको समझाने के पहले मैं आपको बता दूं, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है सिलोक का, कि जो कथन दिए रहते हैं, स्टेटमेंट दिए रहते हैं, हमें इसको कैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना रहता है, हम कैसे इसको बनाते हैं प्रश्न को पढ़कर, और किस तरह से हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों से बनेंगी जिन्हें थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो। अब मैं पूरा सिलोक तो यहाँ नहीं पढ़ा सकती हूँ, पर हाँ
आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसको सॉल्व बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ। तो चलिए पहले तो हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट, कथन क्या है हमारा, कथन के अकॉर्डिंग हम इसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कथन दिया है कुछ लड़के पेंच हैं, तो दोस्तों ये ऐसे बनता है जैसे ये कुछ लड़के, लड़कों को मैंने बी लिख दिया, यहाँ पर बी से बॉय होता है ना। कुछ लड़के क्या है, पेंच हैं, तो पेंच को मैं पी लिख दे रही हूँ। जब कुछ वाला कनेक्शन रहता है तो वो ऐसे ही बनता है। फिर क्या दिया है, सेकंड वाला सभी पेच नट है, तो ये पेच था तो सभी पेच क्या हो जाएंगे, नट हो जाएंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा ही हमने किया है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम कॉन्क्लूजन की तरफ, निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दे रहा है, कुछ लड़के नट हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला यदि हम देखेंगे कि कुछ लड़के नट हैं क्या, तो बिल्कुल सही है। कुछ लड़के जो है, मैं यहाँ मार्कर चेंज करके बता देती हूँ, कुछ लड़के जो है वो नट हो सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारा जो है वो फॉलो कर रहा है। सेकंड वाला देखेंगे अब हम, सेकंड नंबर पर लिखा है सभी लड़के नट हैं, तो भैया सभी लड़के नट नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है दूसरा वाला, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर का होगा, जहाँ निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों। और कांस्टेबल में तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ पूछी नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए थे और चार क्वेश्चन दिए थे, यानी सिलॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पढ़ते हैं हम इसके स्टेटमेंट, जो जहाँ लिखा है सभी कागज चादर हैं, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। क्या लिखा है यहाँ पर, सभी कागज, के से कागज क्या हो जाएंगे, चादर, सी से चादर। और सेकंड वाले कथन में लिखा है सभी चादर पुस्तक हैं, तो सभी चादर क्या हो जाएंगी, पुस्तक। जैसा बोला था हमने ही इसको, हमने बिल्कुल वैसा इसको बना दिया। अब हम पढ़ते हैं किसको, कॉन्क्लूजन को, निष्कर्ष को। पहला कॉन्क्लूजन बोल रहा है सभी कागज पुस्तक हैं, तो सभी कागज पुस्तक हैं क्या, तो चलो भैया चेक कर लेते हैं। हाँ, सभी कागज क्या हैं, पुस्तक हैं, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है। सेकंड वाला पढ़ो, सभी पुस्तक कागज हैं, तो सभी पुस्तक कागज कैसे हो सकते हैं भैया, सभी कागज पुस्तक हो सकते हैं लेकिन सभी पुस्तक कागज नहीं हो सकते हैं, इसलिए सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, जहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सिलॉग का ही क्वेश्चन है, इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। कथन पढ़ते हैं, पहले सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो चलो जल्दी से ड्रॉ करते हैं, सभी पेंटिंग क्या हो जाएंगी, ड्राइंग हो जाएंगी, पी से पेंटिंग, डी से ड्राइंग। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो ये ड्राइंग है, चलो इसको लेके चलते हैं, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, जैसा बोला था हमने वैसा कर दिया। अब आते हैं हम कॉन्क्लूजन की तरफ, निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो चलिए पढ़ते हैं हम, क्या कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो बिल्कुल सही, कोई भी पेंटिंग है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट वाले, दूसरे वाले निष्कर्ष की ओर, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो ये रही तस्वीर, ये रही ड्राइंग। हाँ भैया, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही चीज़ें फॉलो हो रही हैं, दोनों का ही अनुसरण हो रहा है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जहां निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सिलॉग का ही है। मैंने आपको बताया है कि सिलॉग के चार क्वेश्चन पूछे थे और आपने नोट भी किया होगा, सारे मिलते जुलते ही हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं पूछा था। चलिए अब हम देखते हैं कथन को, कथन क्या कह रहा है, सभी खंबे दरवाजे हैं, जल्दी से बनाते हैं, सभी खंबे, के से खंबे, डी से दरवाजे, सभी खंबे क्या हो गए, दरवाजे हो गए, ठीक है, सभी सभी खंबे दीवारें, डी से दीवार हो जाएगा। अब क्या लिखा है, सभी दीवार घर हैं, तो भाई ये भी सही है, सभी दीवार क्या हो जाएगा, जी से घर। अब आएंगे हम किस पे, निष्कर्ष की ओर। पहला निष्कर्ष है सभी घर खंबे हैं, तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, ये सभी घर खंबे हैं, जरा चेक करो, जरा गलत हो जाएगा, ये सभी घर खंबे नहीं हैं, सभी खंबे घर हो सकते हैं लेकिन सभी घर खंबे नहीं हो सकते। सेकंड वाला पढ़ते हैं हम, सभी खंबे घर हैं, जैसा मैंने आपसे बोला सभी खंबे घर हो सकते हैं, इसलिए सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, जहां निष्कर्ष सेकंड फॉलो कर रहा है। तो ये सिलॉग के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है।
देखो दोस्तों, ध्यान से पढ़ें इसे, कभी ये मत सोचना इतना सारा इतना बड़ा लिखा है इसका मतलब इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएगी। अभी मैं आपको बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व करके बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। चार छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करना है जो एक पंक्ति में खड़े हैं। ये चारों एक पंक्ति में खड़े हैं, जैसा प्रश्न बोलेगा सेम वैसे ही हम करने वाले हैं। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः छठवें और सातवें स्थान पर है, तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट साइड से क्या बोल रहे हैं कि ये छठवें और सातवें स्थान पर है, तो ये छठवां स्थान और ये सातवां स्थान। छठवां स्थान किसका बोला है उन्होंने? रीना का। और बीना का स्थान कितना बोला है? सेवेंथ। आठ से रीना, बी से बीना पूरा नहीं लिखा जाता है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। चलो भैया आ जाओ, अब राइट साइड से आ जाओ। क्या बोल रही हैं ये कि मीना और नीना चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, तो ये हो जाएगा पांचवा स्थान, ये हो जाएगा चौथा स्थान। चौथे स्थान पर बोल रहे हैं मीना है और पांचवें स्थान पर नीना है, ठीक है, ये हमने बना दिया। आगे आते हैं। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं, तो अब हम इनका स्थान अदला बदली करने वाले हैं। किस किस का स्थान बदला होगा, अदला बदली होगा? बीना का और मीना का। जब स्थान अदला बदली होगा तो आगे क्या दिया है? बीना बाएं से 15वीं होगी, ये कितनी हो जाएगी फिर? 15वीं हो जाएगी मीना के स्थान पर, है ना, ये प्रश्न में दिया है, ये कहाँ चली गई? 15वीं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या है। तो भैया एक बात खुद ही सोचो, जब यहाँ अदला बदली हो रही है और बीना अब 15वें नंबर पहुंच गई है, और नीना जब मीना के पास में ही थी, ये दोनों पास में थे ना, तो नीना कितने नंबर पर होगी? तो जाहिर सी बात है ना, नीना तो 14 नंबर पर चली जाएगी, फिर एक पीछे रहेगी ना वो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, जो कि क्या है 14। कौन से स्थान पर पहुंच जाएगी? ये 14वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 8, 3, 27, 4। दोस्तों यहाँ क्यूब चल रहा है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब ऑप्शन नंबर सेकंड 64। बहुत आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 120, 99, 80, 63, 47, 35। इसको सॉल्व करते हैं हम। इनका डिफरेंस यहाँ पर लिया गया है दोस्तों, डिफरेंस से सॉल्व हो रहा है, किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना है आपको। डिफरेंस देखेंगे 120 और 99 का आ रहा है 21, 99 80 का आ रहा है 19, 80 और 63 का आ रहा है 17, 63 और 47 का आ रहा है 15, और 47 और 35 का आ रहा है 12। तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, और ये गड़बड़ किसने करी? 47 ने करी है। तो चलिए, जब 47 ने गड़बड़ करी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 का फर्स्ट वाला, जो कि है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। यहाँ पर भी हमें गलत की पहचान करनी है। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3+1 चल रहा है सभी में। जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, प्लस 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 में कर देंगे तो 7 3 21 होता है, और 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। 22 का मल्टीप्लाई भी यदि हम 3 में करेंगे तो 66 होगा, 66 प्लस 1 करेंगे तो 67 हो जाएगा। लास्ट वाले में आइए, 67 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 में करते हैं तो 201 आता है। कितना आता है दोस्तों? 67 का मल्टीप्लाई यदि हम 204 में करेंगे तो 201 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 202 आएगा। तो इस सीरीज का जो क्रम है इसमें गलत संयोजन को पहचानना था, और वो गलत नंबर क्या हो जाएगा? 2204। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। खास कोड भाषा में जोस मोस क्ले का अर्थ पोस वाइट कार है, मोस सूट फ्यो का अर्थ ब्लैक और वाइट है, तो हमें करना क्या है यहाँ पर? इस कोड भाषा में वाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो चलिए चेक करते हैं। ये लिखे हैं शब्द और ये है उनका अर्थ, हमें वाइट का बताना है दोस्तों, बहुत आसान है ये। इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल सिंगल दिया था तो सिंगल को लेकर चले थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 बार दिया है तो 2 को लेकर चलते हैं। अब ये 2 बार दिया है तो ऐसा कोई शब्द ढूंढो जो कॉमन हो, दोनों में दोनों ही जगह आता हो, अकेला नहीं होना चाहिए ना वो, दोनों ही जगह आना चाहिए। तो MOSE मोस और यहाँ ऊपर और नीचे दोनों ही जगह ये कॉमन आ रहा है दोस्तों, बाकी सब लोग एक ही जगह पर आए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड MOSE।
क्वेश्चन नंबर 19 आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, क्योंकि रीजनिंग के 19 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें 40 में से, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लुप्त अक्षरों को श्रृंखला लुप्त अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करना है और ये श्रृंखला कुछ ये वाली दी गई है यहाँ पर। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि इसका क्वेश्चन ना हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हमें करना ये है कि टोटल लेके चलो कि टोटल कितना है, तो टोटल 27 है। मैंने टोटल कैसे लिया है, सारे नंबर लिए हैं, सारे जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं उनको लिया है, और जो ब्लैंक स्पेस है ना वहाँ पर भी तो वर्ड आएगा, तो सभी को काउंट करने पर कितना आ रहा है 27। अब मैं इनके पेयर्स बना रही हूँ, अब मैं 27 लिखा है इसलिए 9 वर्ड के तीन पेयर बना रही हूँ। ठीक है, वो तीन पेयर कहाँ जाकर बन रहे हैं, तो एक पेयर यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पेयर, और एक पेयर हमारा ये आर के आर पे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सेकंड पेयर। चलिए अब हम पहले इसको पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। टोटल 27 है, आप ध्यान रखें एक पेयर हमारा इस आर तक आ रहा है, एक पेयर इस आर तक आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जल्दी से अब हम इसमें से कॉमन ढूंढेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है। तो दोस्तों ध्यान से कॉमन ढूंढिएगा, पहला और तीसरे में कॉमन चीज़ें आ रही हैं। जैसे फर्स्ट वाले में देखिएगा पी क्यू आर पी, दिखा आप सभी को पी क्यू आर पी है, लेकिन यहाँ पर क्यू आर पी आया है, तो क्या मैं यहाँ पी ऐड कर सकती हूँ, तो बिल्कुल मैं इस ब्लैंक स्पेस पे पी ऐड कर सकती हूँ। अब आगे आते हैं फर्स्ट वाले की तरफ क्यू आर पी, तो दोस्तों आप थर्ड वाले को देखो यहाँ डबल पी आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या ऐड कर देंगे, डबल पी। अब फर्स्ट वाले में देखिएगा डबल क्यू है, डबल क्यू के बाद क्या आना चाहिए, तो पहले चलो ठीक है फर्स्ट वाले में तो अभी हम नहीं ला रहे हैं, थर्ड वाले में देखिएगा यहाँ एक क्यू है, फर्स्ट वाले में डबल क्यू है, तो हम यहाँ पर क्या ला देते हैं, डबल क्यू। इसको भी हमने एक और क्यू यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर दो आर थे फर्स्ट वाले में, अभी एक ही आ रहे हैं तो एक आर नहीं है, तो हमने यहाँ आर भी बना दिया। तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, पी आर, और लास्ट वाले में क्या आ रहा है, पी क्यू। अब बीच वाला नहीं आ रहा है, तो बीच वाला देख लेते हैं। दोस्तों बीच वाला कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, ना फर्स्ट वाले से ना थर्ड वाले से, बीच वाला अलग अलग ही चल रहा है। जैसे ये तीन तीन का जोड़ा है, पी पी तीन बार आ गए, क्यू दो बार आया है, तो चलो यहाँ पर भी क्यू ले आते हैं, तो ये हमारा यहाँ आंसर में क्यू दिख रहा है। फिर क्यू के बाद दो बार आ रहे हैं, तो ये आर को हम तीन ले आते हैं, तो तीन आर हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, पी आर क्यू आर पी क्यू, जो कि क्या है, पी आर क्यू आर पी क्यू। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऑप्शन देखकर करते हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर फोर्थ वाला है। इसी तरह की वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी, हम प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम समय यदि एग्जाम को देखा जाए, वैकेंसी बहुत कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।